हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयप्रकाश है। एसके कॉन्टेक्शन में स्वागत है। अगर दोस्तों आपके पास पैसा कम हो तो किसी इस तरीके से घर बना सकते हैं, तो वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बाजू में बनी बेल आइकन की घंटी दबाना जिससे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पूरी लो बजट में एक घर बनाया जा रहा है, और एक छोटा सा फैमिली जैसे हमारे को रहने के लिए एक बंदोबस्त घर बनाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो रूम की साइज़ है 9x12 का है, और आगे जो किचन की साइज़ है वो हमारी 7x9 का है। तो जो अभी ये रूम का दरवाज़ा दिख रहा है, एक रूम है, और जो सामने दिख रहा है वहाँ पे एक किचन बना है। जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है वो किचन का है। तो किचन की जो लंबाई है वो 9 फुट है अंदर अंदर, और चौड़ाई वो 7 फुट है। उसी में छोटा सा एक मोरी बाथरूम बनाया जाएगा जो कि बर्तन वगैरह घसने के लिए। तो ये बहुत लो कॉस्ट का है। अभी तक यहाँ पे 40 से 45 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। इसका लंबाई बात करेंगे तो बाहर 10 फुट है, और इसकी चौड़ाई बात करेंगे तो बाहर 10 फुट है, और लंबाई बात करेंगे तो 19 फुट है। तो 19x10 का मतलब एरिया में ये टोटल बनाया जा रहा है, और यहाँ टोटल कोने कोने पे 9 का पिलर बनाया गया, और बाकी 4 इंची की पार्टीशन बनाई गई। जो कोने पे आपको दिख रहा है 9 का पिलर है। तो इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और नीचे फाउंडेशन भी इसका बनाया नहीं गया। DPC डाल के इसको न्यू को मजबूत किया गया है। नीचे 9 इंची न्यू है, और उसमें DPC प्रोवाइड किया गया है। यहाँ जैसे देख रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं 4 इंची की DPC है, उसमें स्टील प्रोवाइड किया गया है। उसी अनुसार से इसे बनाया जा रहा है। ये पूरे कंप्लीट होने के बाद इसका कितना बजट और खर्च जा रहा है टोटल, हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। जो कि दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बनी बेल आइकन की घंटी दबाना जिससे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।